जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के बहुत ही मस्त मस्त सवाल देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। भले इनमें बहुत कम समय लगता हो लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गमूल के। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट में आपको बहुत कम समय लगाना होता है, लगभग मान लीजिए 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड, इतना बस। ठीक है, तो वही ट्रिक हम लेकर आए हैं, आज इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे और ट्रिक से हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही कम समय में इन सवालों को करेंगे। हालांकि ये आपको आते भी होंगे लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप और कम समय में इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर दिया गया है यहाँ पर अंडर रूट 64,009, इसका वर्गमूल निकालना है हमको कि 64,009 का वर्गमूल क्या होगा। तो थोड़ा सा पहले ट्रिक के बारे में बात करते हैं, आप गुणनखंड करने तो नहीं जाएंगे इसका। ठीक है, जो हमारा विधि होता है बेसिक मेथड, क्या करते हैं हम लोग इसका गुणनखंड करके फिर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, देखिए यहाँ पर लास्ट का दो अंक चुनिए। ठीक है, लास्ट का दो अंक क्या है हमारा, 09 है। अब 09 को देखिए कि किसका वर्ग करने पर लास्ट में 09 आता है, तो हम कहेंगे कि 3 का वर्ग करने पर यानी 03 का वर्ग करने पर हमारा यहाँ पर 9 आ जाता है। ठीक है, सही बात है, 3 का वर्ग करने पर 9 आ जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको दो नंबर सेलेक्ट करना है, लास्ट का दो डिजिट दो अंक, और फिर उसको देखना है कि किसका वर्ग करने पर वो लास्ट का दो डिजिट आता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 03 आ गया, है ना, 03 आ गया। तो ऑप्शन से आपको चेक करना है कि ऑप्शन में लास्ट में 03 होगा या 50-3 होगा, 50-3 47, या 50+3 होगा यानी 53 होगा लास्ट में, या 100-3 होगा यानी 97 होगा। तो लास्ट में यही चारों होगा, इसके वर्गमूल के लास्ट में यही चारों हो सकते हैं। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन कौन सा दिया गया है, देखिए 03, हाँ 03 यहाँ पर दिया गया है, फिर 47, क्या 47 कहीं में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 53 देखिए 53 यहाँ पर दिख रहा है, 97 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब या तो ए नंबर होगा या बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब इसमें से चेक करना है कि कौन सा होगा सही आंसर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा। अब चेक करना कैसे है आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसका मतलब यही टिक कर देंगे आप लोग, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिएगा ऐसा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल है 640, कितना है 640 है। ठीक है, इधर का दो अंक जो छूटा है वो है 80 और इधर का दो अंक है 25। अब 80 का वर्ग करेंगे तो आपको 6400 मिलेगा, है ना, 6400, 8 2 64, और जीरो का वर्ग करेंगे तो 2 0 आएगा यानी 6400 मिलेगा। तो 640 से तो ये बहुत बड़ा है ना, अब 25 का जब वर्ग करेंगे तो आपको 625 मिल जाएगा, यानी 640 से कम है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो कम हो जाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि सीधा सीधा देख लिए कि 9 का वर्गमूल तो 3 और इधर 64 दिख रहा है, 64 का वर्गमूल 8, बस 803 आप मार देंगे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना है आपको, पहले चेक करना है इस तरीके से कि कौन कौन ऑप्शन सही हो सकता है, फिर उसमें से वर्ग करके आपको देखना है कि किसके करीब आ रहा है। 80 का वर्ग करेंगे तो 6400 आएगा यानी 640 से बहुत दूर है ये, 25 का वर्ग करेंगे तो 625 आ रहा है, करीब आ रहा है, कम आ रहा है, तो कम वाले को हमको देखना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको लास्ट का दो अंक चुनना है, उसके बाद देखना है कि किसका वर्ग करने पर यहाँ पर ये लास्ट का दो अंक आता है।
ठीक है, तो हमने देखा तीन का वर्ग करने पर आता है, तो या तो ऑप्शन में 0-3 होगा या 50-3 होगा, आपको हर जगह यही लगाना है, 50-3, 50+3 मतलब जो भी होगा वो है ना, और 100 माइनस जितना भी होगा, तो 50-3, 50+3 और 100-3, इनमें से देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, इसके बाद आप कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। ये दिया है 894,916 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, आप खुद से ट्राई करिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। लास्ट में क्या दिया है, 16 दिया है, 16 को ले लीजिए। अब देखिए किसका वर्ग करने पर 16 आता है, तो आप जानेंगे कि 4 का वर्ग करने पर 16 आता है, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में 0-4 होगा, या फिर 50-4 यानी 46 होगा, या 50+4 यानी 54 होगा, या 100-4 यानी 100-4 यानी 96 होगा, ठीक है। बस यही चार लास्ट में हो सकते हैं। तो 0-4 देखिए क्या ऑप्शन में कहीं पर है, 0-4 नहीं है। 46 देखिए, 46 यहाँ पर है, ठीक है एक जगह। 54 देखिए, 54 कहीं पर भी नहीं है। 96 देखिए, 96 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आंख बंद कर आप मार दीजिए, ठीक है। 946 इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा ट्रिक आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ दूसरे तरीके के सवाल करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए इस सवाल को देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, -34 = इतना दिया है। तो देखिए हम आपसे कहेंगे कि आपको 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। अब 484 आप देखेंगे तो किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 22 का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा √x, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लिए, -34 उधर जाएगा तो +34 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 22, और 22 + 34 इसको आप जोड़ दीजिए तो 4 × 2 = 6, है ना, और ये 5 हो जाएगा, इधर x है उधर जाके वर्ग हो जाएगा, यानी 56 का वर्ग आ गया। अब 56 का वर्ग देखिए तो शुरू में 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा लास्ट में, किस में ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। बस भाई 56 का वर्ग करेंगे तो 56 नहीं आ सकता ना, और 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आना चाहिए। अब 6 किस ऑप्शन में है, बड़े संख्या में, तो इसमें है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम समय में करना है आपको, चाहे अब इसका पूरा वर्ग करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो हमने यूनिट डिजिट का तरीका लगा दिया यहाँ पर। भाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, यानी यूनिट डिजिट में हमारा 6 आएगा, और 6 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर है 3136, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, चलते हैं अगले नंबर पर। अब देखिए इस सवाल को, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको 20 सेकंड लगेंगे इस सवाल को करने में, अगर आपको प्रैक्टिस है तब। देखिए चलिए देखिए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये क्या है, ए, ये है बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, तो ए का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 ही आता है। फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो +4 हो गया, ठीक है। आप ये मन में भी कर सकते हैं, जैसे आप देखिए आप इसको चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ तक हो गया, -2ab, तो -2 × 2 × 2 × यहाँ पर √5, यानी ये हो गया 4√5, ठीक है डायरेक्ट। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस, इस 80 को आप थोड़ा सा तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे देखिए भाई, इस 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 × 5 लिख सकते हैं अंदर में, ठीक है, 16 का वर्गमूल होता है 4, और 5 तो अंदर ही ना रहेगा, 5 का तो वर्गमूल कुछ भी नहीं होता, तो ये हो जाएगा 4√5, ठीक है। बस आपको इधर से -4√5, इधर से -4√5, 4 × 5 = 9, 9 = x, यानी x का मान 9 आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही कम समय में आपको करना है, लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए इन सवालों को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
चलिए इस सवाल को देखिए, यह सवाल सिर्फ 10 सेकंड का है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है। यदि आपको ऐसा सवाल देता है तो आपको पीछे से देखना है, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल का सवाल है ये, आपको पीछे से देखना है, इधर से कुछ नहीं करना, इधर से आप जाएंगे तो फंस जाएंगे, है ना, तो आपको पीछे से देखना है। देखिए 49 का वर्गमूल होता है 7, ठीक, 7 में 29 जोड़िए 36 आएगा, 36 का फिर वर्गमूल लगा है तो 36 का वर्गमूल हो गया 6, मतलब इतने तक का मान आ गया 6, 19 में 6 जोड़िए आता है 25, 25 का फिर वर्गमूल लगा है तो आ गया 5, फिर 5 11 में जोड़िए तो हो गया 11 और 5 16, और 16 का फिर वर्गमूल लगा है यानी हो गया 4, है ना, 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ तक का कितना आ गया, यहाँ तक का आ गया 4, 4 में फिर 5 जोड़िए तो 4 5 हो गया 9, फिर 9 का वर्गमूल लगा है तो 9 का वर्गमूल होता है 3, यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान सा था, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले सवाल पर, इस सवाल को देखिए, अब ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये तो वैसे एक सेकंड का देखते ही बन जाएगा ऐसा सवाल है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे में रूट 8 और रूट 12 दिया है, इसका मतलब ये किसी न किसी तरीके से कट जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है, कैसे कटेगा उसको ढूंढना है। देखिए अगर हम रूट 32 को 4×8 लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4×8 हो सकता है, रूट 32 को हम लिख देते हैं रूट 32 को 4×8, और ऐसे ही 48 को, रूट 48 को हम लिख सकते हैं रूट 4×12, 12×48, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल होता है 2 और अंडर रूट में बच गया 8, 4 का वर्गमूल होता है 2 अंडर रूट में बच गया 12, आ गया ना, बस लाइन पर आ गया, अब ये इसको हम लिख सकते हैं 2√8, तो 2√8 और प्लस इसको लिख सकते हैं रूट 48 को 2√12 बटे में रूट 8 और प्लस रूट 12, इतना हो गया, बस 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा रूट 8 प्लस रूट 12, और यही चीज़ तो नीचे भी है ना, रूट 8 प्लस रूट 12, तो ये वाला कैंसिल हो गया, आ गया आपका ऑप्शन 2, आंसर 2 आ गया, ऑप्शन किस में है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और सवाल तो यूं चुटकियों में हो जाते हैं यार, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो सारे सवाल हम लोग करवा रहे हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, बैंकिंग में हो गया या फिर SSC में हो गया या फिर रेलवे में हो गया, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक ना, तो आपको हर एक प्रश्न अच्छे से करना है। चलिए इस सवाल को देखिए, सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए अब यहाँ पर ऐसा सवाल दिया है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कटेगा, तो हमको लिंक ढूंढने की ज़रूरत है। देखिए कैसे, अगर देखा जाए तो सभी में जो 6 है वो दिख रहा है कि कॉमन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 6×4 या फिर 4×6, है ना, तो 4×, जब 6 लिखेंगे इसको तो 4 का वर्गमूल तो आ जाता है यानी 2 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 और अंदर में बचेगा सिर्फ 6, प्लस यहाँ पर देखिए इसको अगर देखा जाए तो अगर हम इसमें से इसको ऐसे लिख दें 36×6 तो 36×6=216 होता है, ठीक ना, तो इसको 36×6 लिख सकते हैं, और 36 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते ही होंगे, 6 होता है और अंदर में बचा क्या 6 सिर्फ एक, ठीक है, बटे में अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 16×6, है ना, 16×96, और 16 का वर्गमूल होता है 4, 16 का वर्गमूल होता है 4 और अंदर में बचा है 6, तो रूट 6, यहाँ से रूट 6 कॉमन निकलेगा तो इसको काट देगा, यानी अंदर में बचेगा 2+6 तो 6×2=8 हो गया, और नीचे में बच जाएगा 4, तो ये हो गया 2, बस इतना सा था, आसान सा था, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसको देख लीजिए, आपको अगर नहीं पता है तो देखिए रूट 6 कॉमन है तो रूट 6 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर क्या बचा 2 और प्लस 6, है ना, तो 2+6 अब बटे में 4√6,
तो रूट छः से रूट छः कट गया, छः दो आठ, आठ बटे चार यानी दो आ गया, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिंक ढूंढना है प्रश्नों में और सॉल्व करना है। चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखें, ये दिया है आठ बटे प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 50। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, तिरिया गुणा कर देना है, इसको भी एक्स यानी एक्स स्क्वायर इधर गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर और बराबर पचास अट्ठे, पचास अट्ठे पचास गुणे आठ, आठ पंचे चालीस हो गया 400। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, ये हो गया एक्स बराबर 400, इसका आंसर आ गया 20। खत्म, देखिए कितना जल्दी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए एग्ज़ाम में। जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कर लेना है सवालों को। ठीक है, आगे चलते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या दिया गया है। रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 माइनस अंडर रूट 0.509 ये चीज़ दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ट्रिक सुनिए। 900 का वर्गमूल तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 30। ठीक है, ये तो 30 हो गया। अब प्लस इसको देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लास्ट में 9 है, तो 9 का पहले वर्गमूल निकालिए, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पर दशमलव के बाद गिनिए कितने अंक हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद है यहाँ पर आपके पास दो अंक। ठीक है, दशमलव के बाद दो अंक है, यानी इसमें से एक अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, मतलब एक अंक तो यही है, दशमलव लग गया बस। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ना, उसका आधा हमको लेना है। दो अंक है तो एक अंक छोड़ के लगाना है, चार अंक होता दशमलव के बाद चार अंक होता तो दो अंक छोड़ के लगाना होता है। ठीक ना, जैसे यहीं पर देखिए, ये माइनस में कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इधर, लास्ट में 9 है तो 3 हो जाएगा। और देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः अंक है ना लास्ट दशमलव के बाद, तो 3 अंक छोड़ के हमको दशमलव लगा देना है, यानी एक दो और तीन, तीन अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वही काम करना है, दशमलव के बाद देखना है कि कितने अंक हैं, है ना। तो अगर 6 अंक है तो वर्गमूल में 3 अंक पहले दशमलव होगा। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के बाद, तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक ही अंक पहले दशमलव लगेगा। ठीक ना, ये काम बस इसको घटा दीजिए। तो देखिए, ये तो 30 का 30 ही होगा, इसमें से आपको कुछ करना है ना। तो ये है 0.300, इसको आप 300 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 0.003। अब 300 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 297 आ जाएगा, 297 यानी 30.297, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बस आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पर दो सवाल हम लोग और करेंगे। प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या दिया है। अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064। ठीक है, अच्छा पहले तो इसको अंदर वाले को सॉल्व करिए। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 0.01 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। भाई देखिए, इधर कुछ भी नहीं है, लास्ट में 64 है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8। ठीक है, आप देखिए इसमें 4 अंक है ना, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, आधा 6 होता तो 3 अंक छोड़ के, 3 अंक छोड़ते हैं हम लोग, तो 2 अंक छोड़ दीजिए इधर से राइट साइड से 2 अंक, तो एक दो दो अंक छोड़ दिए दशमलव लगा, यानी 0.008 आ जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0.09। ठीक है, अब 9 है यहाँ पर, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर, यानी जो हमारा लास्ट सवाल है इस क्लास का, उसमें चलते हैं हम लोग। इस सवाल को देखिए, और आप लोग एक बार इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके खुद लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, ट्रिक हम बता चुके हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, आप तो इसको देखकर भी बता सकते हैं, इतना सरल सवाल है, लेकिन हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि कैसे करना है। ठीक ना, देखिए लास्ट का देखिए 49 है, तो 49
है ना, 49 को पकड़ लीजिए, लास्ट का दो अंक लेना है। अब देखिए कि किसका वर्ग करने पर 49 आता है, तो आप जानते हैं कि 7 का वर्ग करने पर 49 आता है, यानी आपके ऑप्शन में या तो 07 होगा लास्ट में, या 50-7 होगा, 50-7 कितना होता है 43, या 50+7 होगा यानी 57, या 100-7 होगा यानी 93। तो ऑप्शंस में देखिए क्या 07 मिल रहा है, नहीं, क्या 43 मिल रहा है, हाँ सभी में 43 मिल रहा है। अब ऑप्शन से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसके लिए क्या लगाना है, तो देखिए हम बताए थे यहाँ पर कि दशमलव के बाद अंक गिनिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ अंक है ना, तो आठ अंक जब वर्गमूल के अंदर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, आठ अंक हैं, तो जब हम इसका वर्गमूल लगाएंगे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, चार ही अंक होगा दशमलव के बाद, ठीक है, चार ही अंक होगा। तो इन ऑप्शंस में देखिए दशमलव के बाद कहाँ पे चार अंक है, यहाँ पे तीन अंक है, यहाँ पे चार अंक, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे पाँच अंक है, इसका मतलब यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखकर बताना था, इसका बहुत कठिन नहीं था, ये सिर्फ देखकर इसका आंसर बता देना था, कैसे, दशमलव के बाद इसमें आठ अंक हैं तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद चार ही अंक आएगा, क्योंकि आधा हो जाता है वर्गमूल में, ठीक है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो इंटरेस्टिंग रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।